आइए बचपन की यादें ताजा करते हैं। हम लोग छोटे छोटे स्कूल में से जब निकलते थे घंटी का आवाज सुन करके, तो गेट के बाहर हमारे टंटन भाजे वाले बाबा खड़ा रहते थे, हमारे बच्चों खाएंगे। तो इसी से हम आप लोगों के सामने ये लेके आए, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो हम बनाएंगे टंटन भाजा फ्रेंड्स। तो उसके लिए गैस ऑन करके ले लिए हैं पैन। अब आगे आगे देखिए टंटन भाजा में हम क्या क्या लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम 3 चम्मच के करीब सरसों तेल, वो लोग कच्चा डालते थे, हम पका करके डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पे तेल गर्म हो गए, ले लेते हैं प्याज, और यहाँ पे हम एक साइड में ले लेते हैं मूंगफली, ताकि साथ में भी भुना जाएंगे। और यहीं पे हम 2 हरा मिर्च चॉप करके ले लिए, इनको भी सबके हम एक साथ पहले भुनेंगे। यहाँ पे ज्यादा नहीं भूनना है हमको, बस आधा कच्चा आधा पक्का रहने देना है इनको, तभी तो हमारे टंटन भाजा का स्वाद आएंगे। तो यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच चना फुलाया हुआ लिए है, 1 बड़े चम्मच स्प्राउट मूंग वाला लिए है, और यहाँ पे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा को काट लिए हम, क्योंकि वो लोग काट के ही देते थे। 1 मिनट इनको भूनेंगे। अब इन सारी चीजों को 1 मिनट भून लिए हैं। यहाँ पे लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर भुना हुआ, 1/2 इंच काली मिर्च, और यहाँ पे लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, इनसे कलर बहुत अच्छे आते हैं, और यहीं पे लेंगे हम चाट मसाला, सबको हम एक बार चलाएंगे, और यहाँ पे लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सफेद नमक, अपने हिसाब से नमक लीजिएगा, कोई कम खाते हैं कोई बेसी खाते हैं। यहाँ पे लेंगे हम लेमन जूस जो 1 चम्मच है, इनसे चटपटा होगा हमारा टंटन भाजा। और यहीं पे हम लेंगे, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे है सेव, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लेंगे हम मिक्सचर, 2 टेबल स्पून लेंगे हम कॉर्नफ्लेक्स, और सबको हम चलाएंगे। तो अब हम लेंगे मुढ़ी, लास्ट में गैस ऑफ कर दिया, यहाँ पर ध्यान रहे। लास्ट में लेंगे हम 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, टेस्टी। आप चाहे तो इनमें टमाटर भी ले सकते हैं, हम टमाटर नहीं लिए क्योंकि कच्चा टमाटर पसंद नहीं है हमको। तो टंटन भाजा बनकर तैयार हो गया, गैस कर दिया हम ऑफ। तो चलिए अब हम इनको एक जैसे देते थे ना टंटन वाले बाबा, उसी तरह से डोंगे में बांस के डोंगा रहता था या कॉफी का डोंगा रहता था, उसी में बना बना करके हम लोगों को देते थे। हम लोग बहुत च्वाइस से लेके खाते थे, देखिए इस तरह से। तो आप भी कब बना रहे अपने बच्चे के लिए? कैसी लगी हमारी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।